फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। मैं स्कूल के लिए निकलने ही वाली थी, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने अपने लंच भी पी लिया, मतलब लेट ब्रेकफास्ट भी बना दिया। और लेकिन देखिए कितनी जोरों से बारिश हो रही है, अब मैं कैसे जाऊँगी, थोड़ी देर सुबह जाऊँगी तो मैं बारिश में मिलने का वेट कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। मैं स्कूल के लिए निकलने ही वाली थी, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने अपने लंच भी पी लिया, मतलब लेट ब्रेकफास्ट भी बना दिया। और लेकिन देखिए कितनी जोरों से बारिश हो रही है, अब मैं कैसे जाऊँगी, मैं थोड़ी देर से लेकर जाऊँगी तो मैं बारिश में मिलने का वेट कर रही हूँ। क्योंकि तो फाइनली गोरखपुर में बारिश हुई, देखिए आप लोग, फाइनली बारिश हुई और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी गायब हो गई है और ठंडा ठंडा लग रहा है। ये देखो हाथों में पानी, बहुत ही अच्छा लगा बारिश हुई तो। लेकिन मुझे अभी निकलना है, तो मुझे रेडी होना है। मैं रेडी हो जाऊँ फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, तब तक आप लोग मेरा वेट करिए। मैं आप लोग मुझे बताइए आज मैं कुछ देर से रेडी हो जाऊँगी और फिर स्कूल भी तो पहुँचना है ना, क्योंकि अभी नई ज्वाइनिंग, फिर मतलब टीचर्स क्लासेस चल रही हैं तो जाना ज़रूरी है। मेरी बेटी मुझसे आज बोल रही थी, मम्मा मत जाओ स्कूल को, आज मत उठो। नहीं बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल जाना ज़रूरी है ना, अब तो उनको भी जाना है। तो बस अम्मा बेटी ऐसे लगे रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे का सहारा हम लोग ही तो हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, कूदती रहती हूँ, तो मेरी बेटी मुझे संभाल लेती है और उसको मैं संभाल लेती हूँ। खैर, मैं आप लोगों से भी बात करती हूँ रेडी होने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी स्कूल से मैसेज आ गया कि आज हॉलीडे है, बारिश की वजह से कि बहुत हैवी बारिश हो रही है तो छुट्टी हो गई है और अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी। मेरी बेटी आज मुझसे बोली भी थी, मम्मा मत जाओ, तो वो खुश हो जाएगी। कल मैं उसके लिए ये कलर लाई हूँ क्योंकि वो बोल रही थी मुझे पेंट चाहिए, मुझे कलर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ले आऊँगी, बहुत जिद कर रही थी। अब पूरा रूम वो फैला के रखी है, मैं भी जल्दी जल्दी में सुबह उठ जाती हूँ, मॉर्निंग में ये निकलना रहता है तो मतलब लेट ना हो उसको भी देखना रहता है। तो अब मैं उसको टाइम दे पाऊँगी क्योंकि उसको भी स्कूल जाना है और बारिश के मज़े भी लेना है, आप लोगों से बातें भी करनी है। पर अभी मैं टेंशन फ्री हो गई थी क्योंकि मम्मी आ गई हैं तो ठीक था सब। चलिए आज अब फिर मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हो गई है इवनिंग और रात की बज रहे 8:30 और मैं बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। ये देखिए मैंने इसको पीस पीस करके काट लिया है, अब मैं इसको डालूँगी कढ़ाई में, इसको फ्राई करूँगी, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। मैं इसकी कढ़ी भी बनाती हूँ, हम लोग यहाँ इसको रसाज बोलते हैं और यहाँ तो इसको बेसन की सब्ज़ी ही बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी मेरी सब्ज़ी बनके कैसी रेडी हुई। और मैंने ये देखिए, मैंने यहाँ पर आटा भी तैयार कर लिया है और मम्मी को खाना देना था तो मैंने मम्मी के लिए दूध रोटी खाती हैं तो मैंने वो निकाल दिया है। उसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी, देन आफ्टर मैं सबके लिए खाना बनाऊँगी, खाना तैयार करके फिर अपनी खाना पीना पूरा काम ख़त्म करना है क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गया है ना, बारिश हुई आज यहाँ पर तो मौसम भी ठंडा है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है मुझे, देख सकते हैं आप लोग मुझको। और आप लोगों ने क्या बनाया है ये बताइएगा ज़रूर। खैर, मेरी कुछ सिस्टर हैं जो मुझे उनसे गुस्सा हो जाऊँगी, मुझसे बात ही नहीं करती हैं कभी भी, कुछ भी सजेशन दिया करे कमेंट में या कोई रेसिपी ही बता दिया करें कि श्रद्धा ये ऐसे बनाओ ये ऐसे बनाओ प्लीज़। मैं आप लोगों का बहुत वेट करती रहती हूँ, मुझे लगता है कोई नहीं आप लोग तो देख ही रहे होंगे
जल्दी से हो जाए तब तक मैं प्याज व्याज कट कर लूँ, तो मैं सब्जी वब्जी भी अपना यार यहाँ पर फ़ोन कहाँ रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं अपने किचन में अपना फ़ोन ही कहाँ रखूँ। देखिए मुझे एक साथ दो दो काम करना है, मुझे अपनी पकौड़ियाँ भी मतलब बेसन की सब्जी भी तलनी है और इसके लिए मसाला भी तैयार करना है और आप लोगों से बातें भी करनी है। तो आप लोग मेरे साथ रेडी हो जाइए। जो कर रही हूँ मैं अभी मेरी 4 से 5 प्याज ली हूँ मैं, तो मैं इसमें 2 तो ऐसे कट करके डालूँगी और 3-4 का मैं ग्रेवी तैयार करूँगी, क्योंकि टमाटर नहीं है आज मेरे पास, तो मैं प्याज और बाकी लहसुन से और इसके लिए तैयार करूँगी अपनी सब्जी जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। मेरी बेटी को ना इसकी जो पकौड़ी तलती हूँ ये बहुत पसंद है, सूखा वाला खाना, तो पहले मैं उसको दे दूँगी। वो देखिए मेरी लाडू को देख लीजिए मेरी लाडू को, ये देखिए से यार उनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस मोबाइल देखना है। और ये है मेरा मंदिर मेरे घर का, ये देखिए आप भगवान जी मेरे सो गए हैं और ये न्यू दीपक आया है उनका, ये है न्यू दीपक, भगवान जी का न्यू दीपक है ये, बस इन्हीं यही हैं जीवन के आधार, मेरे जीवन को पार लगाने वाले, मेरी नैया को पार लगाने वाले बहुत। और मैं हमेशा किचन में अक्सर अकेली ही रहती हूँ अपनी तन्हाइयों के साथ, पहले की बात थी मैं किचन में काम करती थी। आद्या साउंड स्लो करो, मेरे हस्बैंड ज़रूर से आते थे किचन में पूछने क्या है क्या बना रही हो, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं खाना बनाती रहती थी मुझे प्यास व्यास लगे ना तो मैं बोलती थी मुझे पानी पिला दीजिए, वो पानी मुझे कभी हाथ में नहीं देती थी, फिर वो ग्लास उठाए पानी अपने हाथ से पानी पिलाते थे कि हाँ तुम अपना कर लो मैं तुमको पानी पिला दे रहा हूँ। हर जगह ऐसे कोई मोमेंट नहीं है जहाँ उनकी याद ना आए, जहाँ मैं उनको महसूस ना करूँ। हर ठीक भी है, मैं अपनी ज़िंदगी उन्हीं की यादों मतलब वो मेरे साथ हैं, किसी को लगे या ना लगे पर मेरे मनीष तो मेरे साथ ही हैं, तो मैं उन्हीं के साथ ही जीती हूँ। दो काम एक साथ कर ही नहीं पा रही हूँ यार, मुझे प्याज भी कट करनी है, सब्जी भी, मम्मी को खाना भी देना है क्योंकि मम्मी 8:30 बजे तक खाना खा लेती हैं और कल उनका एकादशी का व्रत था तो वही बार खाना खाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगा था मैं कभी रिकवर ही नहीं कर पाऊँगी मैं कभी, लेकिन कुछ नहीं रुकता यार, कुछ नहीं रुकता, आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, आपको अपने हिस्से का काम करना है, सब कुछ इस पेट के लिए ना। आपको पता है ये टी शर्ट किसका है, ये मेरे हस्बैंड का है, मैं जब भी इसको पहनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मनीष मेरे साथ है, उनके सारे टी शर्ट में पहने लगे, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली, अपने हस्बैंड की कुछ भी चीज़ वो सिर्फ मेरे लिए और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। इंसान को हंसना पड़ता है ना, ना चाहते हुए सबको हिम्मत देनी पड़ती है ना। मेरी मम्मी का भी कॉल आया था, वो मम्मी को तो आप समझ ही सकते हैं कि माँ बाप कैसी चीज़ होती है, वो रोती है तो मैं ही अपने आप में उसके सामने बहुत स्ट्रांग बनती हूँ, बहुत उसमें बहुत समझाती हूँ, क्योंकि वो तो माँ है ना, कहाँ समझने वाली है। मैं जल्दी से खाना बन जाया, बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, इन सब चीज़ों में तो और लेट हो जाता है, पकौड़ी बनाओ ये बनाओ वो बनाओ करके। आप लोग घर में क्या बना है मुझे बताएंगे, बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों से कोई न्यू डिश बनती होगी तो मुझे शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि श्रद्धा मैं ये बनाती हूँ, इससे बहुत बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं, चीज़ें ठीक ठाक बना लेती हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। और देखिए अच्छा
चलिए मैं आप लोगों को जब बन जाएगी सब्जी तब मैं दिखाऊंगी, तब तक आप लोग मेरा वेट करिए, मैं आती हूँ अभी। मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ तल रही थी क्योंकि मुझे अपने आदू को भी देना था और जल्दी से खाना भी तैयार करना था, और बाहर कोई आ गया था तो भाभी कुछ बोल रही थी, मैंने सुना, ध्यान नहीं दे पाई। आटा लग गया बेसन, अभी देखिए मसाला भून रही हूँ, मसाला पक जाएगा तो फिर मैं इसे पानी डालूँगी। मैं पानी इसलिए गर्म करके रख रही हूँ क्योंकि एक सेकेंड पानी में गर्म करके रख दूँगी मेरा सब्ज़ी जल्दी से पक जाए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और मैं वैसे भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लेट होता रहता है मैं पानी को बॉइल कर देती हूँ, पहले गर्म कर देती हूँ ताकि जो मेरा उसमें मसाला रेडी हो जाए और मैं उसमें जल्दी से डाल दूँ तो वो जल्दी से पक जाए। और जब तक सब्ज़ी अच्छे से पकती नहीं तो कोई मतलब नहीं, टेस्ट नहीं रहता। और फिर ये देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए, इनको भी साथ में लगे करूँगी साफ, फिर रोटियाँ बनाऊँगी, तब तक करना ही है। आज अगर खाना बन गया तो फिर मैं बता ही दूँगी आप लोगों को खाना बना कि नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है, मेरा खाना भी लगभग बन गया है, मैंने रोटियाँ भी बना ली थी सारी और मेरी सब्ज़ी भी पक गई है। अब बस सबको खाना सर्व करेंगे क्योंकि मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अपनी बेटी को खाना भी खिलाना है। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।